अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं ना वो एक बेहतरीन टॉपिक है। आप लोगों ने हमारे आज की वीडियो लाजमी देखनी है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनको कंपनी की तरफ से कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, इससे कैसे जान छुड़ाना है आपको तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो एंड तक देखनी है ताकि इस मसले से आप लोगों के जान छूटे। मगर उससे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, मेरे लिए टाइम निकाल कर। मैं आप लोगों का जितने भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनके लिए मैं फेसबुक पे पोस्ट लगाता हूँ और वहाँ से वो मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियोज़ देखते हैं। या बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट यूट्यूब पे मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं। मैं आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए नए अपडेट्स लाता रहता हूँ और क्योंकि हमारा इससे रिलेटेड जो है सिस्टम चलता रहता है। बहुत ज़्यादा ऐसे कंप्लेन हमारे पास आती हैं जो हम सुनते हैं डेली, वो काम करते हैं, फिर हम वो जो मालूम है वो इकट्ठा करके उठा के आप लोग साथ शेयर करते हैं, ताकि यहाँ से भी ज़्यादातर लोग जो इंटरनेट में अपने मसले सर्च करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हम भी कहते हैं कि हम भी आप लोगों के साथ ये जो मसले यहाँ शेयर करें ताकि आसानी अपना काम जो है वो कर सकें। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनको कंपनी की तरफ से बिला वजह कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। यकीन करें कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे यहाँ के, वो फ़ोन तक नहीं उठाते, किसी नंबर से फ़ोन नहीं उठाते। वो कहते हैं हमने मोबाइल रखा है, हम फ़ोन नहीं उठाते, हमें जो फ़ोन का बेल है ये भी बुरा लगता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं 2014-15 से लेकर आज तक मेरा अपने मोबाइल का जो बेल है, जो रिंग टोन है, वो अभी तक नहीं ओपन किया। मेरा मोबाइल साइलेंट पे होता है, मुझे इतने कॉल्स आते हैं। हाँ, जब ज़रूरत पड़े, जहाँ मैं देखूँ कि इस बंदे को मुझे कॉल बैक करना चाहिए तो मैं उसको ज़रूर कॉल बैक कर लेता हूँ। तो ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा ऐसे और भी लोग होंगे जो फ़ोन नहीं सुनना चाहते हैं। जब भी देखो तो फ़ोन आता है, देखते भाई कंपनी की तरफ से है। जब भी देखो मैसेज आया, देखो तो कंपनी की तरफ से है। तो लोग इससे बहुत ज़्यादा अब तंग आ गए हैं। अब लोग कहते हैं ये क्या चीज़ें, हमें इतनी कॉल्स मैसेजेस आते हैं। बहरहाल अब देखो, कोई भी कंपनी अगर आपको मैसेज करती है वो हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, कोई अगर कॉल आते हैं वो हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए होती है। मगर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं यार कि हर किसी के अपने मामला आते हैं, उसमें नहीं पढ़ना चाहते। वरना जब आप कंपनी की तरफ से एक मैसेज आता है उसमें कंपनी ने लिखा होता है हमारा ये पैकेज है, ये ऑफर है, ये है, ये ले सकते हैं, ये डिस्काउंट है। बहुत ज़्यादा ऐसे मामला उसमें आते रहते हैं। और अगर कोई कॉल भी आता है तो उसमें भी जो है कंपनी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देती रहती है। तो असल में मैंने आज की वीडियो जो है सोचा था कि इस पर आप लोग बता दो कि आपने इसको कैसे ख़त्म करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपने मैसेज में ब्लॉक लिखना है और इसको 36-27 पे सेंड करेंगे। कंपनी की तरफ से आपको ना तो कॉल आएगी और ना ही कोई मैसेज आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करें और कमेंट लाजमी करें और थोड़ा सा सपोर्ट करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।